पृथ्वी हमारी माँ है और ये हमारे जीने का सहारा भी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर हमें जीवन की ज़रूरत है तो इसमें पानी की मदद की भी ज़रूरत है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आज फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल AGK में। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गहरे यानी कि प्रशांत महासागर के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े महासागर 5 सागर हैं। फर्स्ट प्रशांत महासागर, सेकंड अटलांटिक महासागर, थर्ड आर्कटिक सागर, फोर्थ हिंद महासागर एंड 5 दक्षिणी महासागर। इन पांचों महासागरों में से सबसे बड़ा महासागर जो है वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा है। दोस्तों, इस महासागर में करीब 2000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का वो भाग जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है उसे मध्य प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग मील है, यानी अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है दोस्तों। और अगर वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है और इसकी मिनिमम गहराई 14,000 फुट है और मैक्सिमम गहराई 35,400 फुट है, यानी कि मीटर में देखा जाए तो 11,022 मीटर है। एक बात और दोस्तों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों ही अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं। ये दोनों इस तरीके से मिलते हैं, एक का कलर अलग और एक का कलर अलग, बट दोस्तों ये पानी कभी मिलता नहीं है। ये इसलिए क्योंकि एक का पानी खारा और एक का पानी मीठा होने के कारण ये कभी आपस में नहीं मिलते। ये एक अद्भुत दृश्य है दोस्तों, देखने में बड़ा रोचक लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।